हम टॉपिक अपना कंटिन्यू करें टाइम वैल्यू के बाद. बाद हमने जो पढ़ा टॉपिक बॉन्ड्स. बॉन्ड बेसिकली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ये ट्रेडिशनली इनकी दे वर नोन फॉर देयर फिक्स्ड इनकम अप्रोच, बट आजकल फ्लोटिंग और वेरिएबल इनकम बॉन्ड्स मिल जाते हैं. बॉन्ड के कुछ बेसिक फीचर्स हो सकते हैं: इशुअर्स, मेच्योरिटी डेट, पार वैल्यू, कूपन, नेट फ्रीक्वेंसी, पेमेंट एंड करेंसी जिसमें ये बॉन्ड इशू हो रहे हैं. थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं. इशुअर कौन एंड कौन सी एंटिटीज हैं जो बॉन्ड इशू कर सकती हैं? गवर्नमेंट एंटिटीज बॉन्ड इशू कर सकती हैं, कॉरपोरेशन, सुपर नेशनल जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये लोग बॉन्ड इशू कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी अप्रूव्ड बाय दैट कंट्रीज गवर्निंग बॉडी. मेच्योरिटी क्या होती है? कितने टाइम के लिए बॉन्ड इशू हुआ है? मेच्योरिटी में दो चीजें आ जाती है. इफ बॉन्ड हैज अ मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, जैसे 6 मंथ्स का बॉन्ड है, तो उसको हम कहते हैं दे आर नोन एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की होती है उन्हें हम कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. फिर जो उसके बाद थर्ड फीचर है हमारे पास जो होता है पार वैल्यू. पार वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू. ये बॉन्ड के ऊपर मैंशन होती है और दिस इज द अमाउंट दैट इज पेड बैक टू इन्वेस्टर एट मेच्योरिटी. जब बॉन्ड मेच्योर होने लगता है दिस इज द वैल्यू दे गेट बैक. कूपन क्या होता है? ये परसेंटेज रिटर्न होता है और ये हमेशा किसके ऊपर मिलता है? पार वैल्यू के ऊपर. जो जो भी आपको रिटर्न मिलना है वो मिलेगा आपको हमेशा पार वैल्यू के ऊपर, और ये परसेंटेज टर्म में डिफाइंड होता है और ये एनुअली रिटर्न होता है. अगर किसी ने लिखा हुआ 10% कूपन रेट है तो इसका मतलब आपका एनुअल जो रिटर्न है पूरे साल का वो क्या होगा? 10% ऑफ फेस वैल्यू. फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 साल में कितनी दफा रिटर्न मिलता है? इफ अ बॉन्ड पेज यू एन एनुअल रिटर्न तो हम कहेंगे कि साल में जो हमें रिटर्न मिल रहा है दैट इज वन टाइम. इफ समबडी सेज इट्स अ सेमी एनुअल बॉन्ड तो हमें रिटर्न मिलेगा साल में 2 दफा, क्वार्टरली. और ये जो हम रिटर्न की बात करें दिस इज दी कूपन पेमेंट. क्योंकि पार वैल्यू कब मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी के ऊपर मिलेगी. करेंसी, इट कैन बी अ सिंगल करेंसी बॉन्ड, इट कैन बी अ डुअल करेंसी बॉन्ड. ये हो सकता है फेस वैल्यू डॉलर्स में हो लेकिन जो आपको परसेंटेज कूपन मिली हो रुपीज में हो. कुछ बॉन्ड्स होते हैं ऐसे जिनमें ये फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं. इंडेंचर क्या होता है? दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बेसिस पे हमारी सारी डीलिंग होती है. कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? द इशूअर जो एंटिटी इशू करी और जो होल्डर द वन हु इज गोइंग टू बाय दिस बॉन्ड. इसके अंदर इंडेंचर के अंदर क्या होते हैं? जो फीचर्स ऑफ द बॉन्ड जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए और प्लस कोई ऑब्लिगेशंस इफ एनी. तो इंडेंचर के अंदर क्या होता है? एक इशूइंग एंटिटी, कौन इशू कर रहा है? स्पेशल पर्पस एंटिटी, है गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेशन है. रीपेमेंट सोर्स मेंशनड होती है इंडेंचर के अंदर के पेमेंट आएगी कहाँ से. एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया तो दे विल पेड बाय टैक्सेस, अगर कंपनी ने बोरो किया तो दे विल पेड बाय ऑपरेशंस. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. एसेट प्लेज्ड, जो हमने अमाउंट कंपनी को लेंड आउट की है उसके पीछे एसेट कौन सा है? दैट इज कलेटरल. इसको हम इसी तरह कह सकते हैं कि इफ अगर मेरा काम पूरा नहीं होता आई कैन सेल दैट एसेट एंड गेट माई मनी बैक. तो जितना अच्छा प्लेज होता है उतना हम कहते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है. क्रेडिट एनहेंसमेंट, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई अगर बुरी रैंकिंग वाली कंपनी मार्केट से पैसे उठाना चाहती है तो लोग थोड़ा सा रिजिस्ट करते हैं यार उसको पैसे देने से पहले. तो कंपनीज क्या कर लेती? क्रेडिट एनहेंसमेंट्स यूज कर लेती अपने बॉन्ड्स के अंदर. जैसे कि 1 लाख का एसेट है और उसके ऊपर जो बॉन्ड इशू हो रहा है 10,000 का फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या कहेंगे कि बॉन्ड जो है ना उसके ऊपर ओवर कलेटरलाइजेशन है. जो वैल्यू उसके ऊपर बोरो कर रहे हैं वो बहुत कम है या कम अज कम उस अमाउंट से कम है जितने का वो एसेट है. बैंक से गारंटीज ऐड कर लेते हैं उसकी वजह से भी उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है. कवर्नेंट्स क्या होते हैं? कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपको मीट करनी होती हैं ताकि आपका जो आपके जो कवर्नेंट्स आर प्रोमिसेस विद योर होल्डर्स. कवर्नेंट्स पॉजिटिव होते हैं, इनको हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, और नेगेटिव होते हैं जो कि विच रिजिस्ट या पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनी. तो नेगेटिव में क्या है? भाई फर्दर लोन नहीं ले सकते. जिस एसेट को आपने प्लेज किया उसके उसको आप सेल नहीं कर सकते. तो ये क्या कर रहे हैं? कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. जबकि अफर्मेटिव क्या है? टाइमली पेमेंट करेंगे. ठीक है, जो आपने जो प्रोमिसेस जो आपने किए हैं वो आप सारे टाइम बाय टाइम फुल एंड करेंगे. तो कवर्नेंट्स क्या हो जाता है? फर्दर एश्योरेंस हो जाती है कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो किसके बीच में हो रही है. तो दिस इज बेसिक समरी या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड्स. Whenever we are valuing bonds, next moving on to valuation of the bond, तो हमने value of the कहा था कि किसी भी asset instrument और उसकी ये होती है कि present value of its benefits, जो भी उसको future में benefits मिलने होते हैं तो हम कह रहे हैं अगर उनको present terms में convert कर लें तो वो किसी भी asset की क्या होनी चाहिए? value. This is also known as fundamental value. हम कहते हैं कि कम अज कम ये तो exist करनी चाहिए.
इसी तरह अगर हम बॉन्ड्स को वैल्यू करें तो हम कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर बेनिफिट्स या जो भी वो फ्यूचर में रिटर्न देगा, विच आर डिस्काउंटेड एट YTM. YTM क्या होता है? बेसिकली यील्ड टू मेच्योरिटी. यील्ड टू मेच्योरिटी क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि अगर हम इस बॉन्ड को टिल मेच्योरिटी दैट इज द टाइम जिसमें हमें प्रिंसिपल वापस मिलना है या पार वैल्यू वापस मिलनी है, उस टाइम तक अगर हम होल्ड करेंगे तो हम कितना रिटर्न जनरेट करेंगे, जो भी वो परसेंटेज रिटर्न आती है दैट इज नोन एज यील्ड टू मेच्योरिटी. फ्यूचर में आप इसको और भी पढ़ेंगे तो दिस इज ऑल्सो नोन एज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉन्ड. इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं.